भाई वो पुलिस ने अपन को अंतर पंजर हिला डाला, उसका गमन तोड़ना पड़ेगा भाई। इसी हाथ से मेरे भाई को मारा था ना तूने, इधर ला वो। इसके बाद रामपुरम के आदमियों को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। ये लड़ाई हम भाइयों की है, निकालो इसे यहाँ से। डिपार्टमेंट का हर एक आदमी मेरा परिवार है। बेटा तुम यहाँ खेलो, अंकल जरा उनके साथ खेल के आना। इंस्पेक्टर पंडरीनाथ पांडुरंग फणसेकर। हाँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है पापा। नहीं बेटा, दर्द नहीं हो रहा है। सब्र और सहनशीलता को कभी किसी की कमजोरी मत समझना साहब। जब जुल्म और अन्याय की आग भड़कती है और अधर्म का फैलता है अत्याचार, तब आता है वो बन के रुद्र अवतार। समुद्र की लहरों में कितना सुकून होता है ये तूफानों से गुजरकर ही समझ में आता है। मेरा नाम है रुद्र मानिकवेल। आज भी मुझे आईपीएस की ट्रेनिंग और शपथ ऐसे याद है जैसे कल की ही बात। मैं रुद्र मानिकवेल शपथ लेता हूँ, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भारत के संविधान की रक्षा करूंगा। मुझे अपने देश पर गर्व है और मैं हमेशा भारत माता की सेवा करूंगा। जय हिंद। ट्रेनिंग के बाद बतौर एसीपी मेरी पहली पोस्टिंग मैंगलोर में हुई थी। जिंदगी मस्त जा रही थी, लेकिन एक दिन सब बदल गया। जुर्म और कानून की कश्मकश से वो पहली मुलाकात, अन्याय से जूझने का जज्बा,
किताबों के आदर्श और ईमानदारी, बस यही मेरे हथियार थे। लेकिन जिंदगी की कड़वी सच्चाई ने एक अलग ही कहानी बयां कर दी। मैंगलोर में मोतीलाल नाम का एक व्यापारी था। दौलत से खरीदे हुए शराफत के नकाब के पीछे छिपा एक ऐसा दरिंदा जिसकी हरकतों से शैतान भी फीका पड़ जाए। नमस्ते नमस्ते मैडम जी, बताइए क्या देखेंगे? देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है जी, कमर पे देखिए जी। जी ये जो माल है पूरे शहर में किसी को नहीं मिलेगा जी। अरे तुम कहां चल दी, ये सैंपल चेक करो। तू जा अंदर रख दे इसको। लड़की की लाश पूरी तरह से जली हुई थी सर, इस केस को कोर्ट में साबित करना नामुमकिन है। लगता है कातिल ने उसी इरादे से लाश को जलाया होगा। खुद पर गुस्सा आ रहा था मुझे, मेरे ही इलाके में किसी बेसहारा लड़की के साथ ऐसा कैसे हुआ। मन तो किया ठोक तू साले को। एक बात है कि मुझसे अन्याय सहन नहीं होता है, और अगर अन्याय मेरे इलाके में हो रहा हो तो समझ लो किसी की खैर। क्या तेवर है भाई, तुझे तो सरकार से नाम मिलना चाहिए, सरकार का चमचा है तू। ये उठा और चलता बन, कभी देखा ना होगा इतना माल तूने। ओए वारंट कट है। वारंट इंसानों के लिए होता है, तुझ जैसे भेड़ियों को बिना वारंट के ठोकता हूं मैं। मैंने साले को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन फिर समझ में आया कि जो हथकड़ियां हमें इन जैसों की गिरफ्तारी के लिए दी गई है उनसे तो दरअसल हमारे ही हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ कानून तो बहुत है लेकिन साला लेकिन इंसाफ नहीं। मुलजिम मोतीलाल सेठ के खिलाफ पुलिस ना कोई सबूत ना कोई गवाह पेश कर सकी, इसलिए ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? इसका मेरे को कोई सजा नहीं हुई। तुझे शाबाश वकील साहब, शाबाश, औकात दिखा दी सबको। लाइटर है थारा कने? ओह आपको जो चाहिए वो सारे सबूत यहां हैं, बस आप अदालत में साबित कर दें। मोतीलाल जैसे लोग समाज पर एक काला धब्बा है। तुझे कभी नहीं पागल हो गई है, कुत्ते की मौत मरेगा तू। सुनो साहब, उसने मेरी बेटी को मार दिया और वो हंसते हुए जा रहा है, अब उसे मार दो ना साहब, उसे मार दो ना साहब। ठीक है मैं पार्टी है, आ जाइयो। गोली मार दो उसे, गोली मार दो साहब, गोली मार दो, गोली मार दो साहब। साहब घर आ गया साहब।
तुम्हारी शर्ट पर खून, ये क्या हुआ? कुछ तो बोलो। गोली मार दो साहब, गोली मार दो, गोली मार दो साहब। छोड़ूंगी नहीं उसे। वकील साहब उधर जाओ, तुम उधर जाओ। ये बंदूक किसी काम की नहीं है साहब। सिस्टम हमें ये वर्दी तो दे देता है, लेकिन ताकत हमेशा अमीरों के हाथों में क्यों होती है? लाचार महसूस कर रहा था मैं, सोच रहा था उस लड़की के बाप पर क्या बीत रही होगी। ट्रेनिंग के दौरान जब पहली बार ये वर्दी पहनी थी, तब महसूस हुआ कि खाकी का अपना जुनून होता है, अपना जज्बा होता है, अपना नशा होता है, ऐसा नशा जो कभी नहीं उतरता। इस्तीफा दे रहे हो? मानता हूं कि एक बेगुनाह की मौत हुई है, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं थी। दिल पे लेना बंद करो। अरे ड्यूटी में यह सब होता रहता है। सर, ये वर्दी मैंने सिर्फ पहनने के लिए नहीं पहनी थी, ये वर्दी मेरी इबादत है। इसे उतारने का दर्द सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। किताबों में जो पढ़ाया जाता था सर, ये दुनिया उससे बिल्कुल अलग है, कुछ सही नहीं है सर। मैं समझता हूँ रुद्रमानी कवेल, लेकिन थोड़ा वक्त लो और ठीक से इस पर विचार करो। नहीं सर, जितना मुझे सोचना था मैंने सोच लिया। जज्बाती होकर फैसला मत लो, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। सच अ रैंक होल्डर, इस्तीफा देकर करोगे क्या? गाय चराऊंगा सर। एक हवा का झोंका जैसे सूखे पत्तों का ढेर बिखेर देता है, वैसे ही एक आंधी ने मेरे उसूलों का महल तहस नहस कर दिया था। समझ लो, एक बार खाकी शरीर पर चढ़ गई तो मानो आपकी खाल बन जाती है। आज मैं अपने हाथों से अपनी ही खाल उधेड़ने जा रहा था। आईपीएस ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो एक लम्हा जब मैंने हाथों में पहली बार बंदूक ली थी, वो खुशी, मुझे लगा वो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। मेरी बंदूक जो हजारों गुनहगारों का वध करेगी, वही वजह बनी एक बेगुनाह की जान लेने की। वो दर्द मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रुद्रा मानिका वेल ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है और उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। आईपीसी सेक्शन 287 के मुताबिक अदालत उसे 6 महीनों की सजा सुनाती है। जहां हमें लगता है कि हमारी कहानी का अंत तय हो गया है, उसी मोड़ पर भगवान एक नई कहानी शुरू कर देता है। जेल में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसके दर्द ने मुझे एक नई राह दिखाई। सर, मेरा नाम नसरतुल्लाह है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहता था मैं। मेरी पोती हीना कलेजे का टुकड़ा थी मेरी। होटल क्लासिक में एक राक्षस की नजर उस पर पड़ गई, अर्जुन के मारन। बहुत बड़ा उद्योगपति है, हाथ धो के मेरी पोती के पीछे पड़ गया और दिन रात उसे मैसेज करने लगा। फिर हीना ने मी टू का सहारा लिया, पोस्ट वायरल हुआ और मारन गिरफ्तार हो गया। मारन ने अपना फोन चोरी होने का बहाना बनाकर यह साबित कर दिया कि उसने ये मैसेजेस भेजे ही नहीं थे और उसे बाइज्जत परी कर दिया गया। उसी दौरान हीना ने अपनी कमाई से मुझे एक फोन तोहफे में दिया था।
मैं फर्स्ट क्लास से पास हो जाऊंगी। इंशाल्लाह बेटा, वैसे तुम घर कभी आ रही हो? अगले हफ्ते पक्का आ जाऊंगी दादाजी। इस वक्त कौन आया? एक सेकंड रुकना। जेल से रिहा होने के बाद मारन पर मेरी पोती से बदला लेने का भूत सवार था। मेरी आंखों के सामने मेरी पोती को बुरी तरह पीटा और अपने साथ ले गए। घबरा कर मैं पुलिस स्टेशन चला गया। सर सर, ये देखिए सर, जरा प्लीज प्लीज, जब मैं वीडियो कॉल पर अपनी पोती से बात कर रहा था तो कुछ लोग उसे उठा कर ले गए। मैंने दोबारा फोन लगाने की कोशिश की सर, उसका फोन बंद आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। प्लीज सर, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन पुलिस ने खबर दी कि हीना ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई है और उसकी लाश मेरे घर भेज दी, लेकिन उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो लाश हीना की थी। वो पुलिस इंस्पेक्टर रत्नाकर, उसने सारे रिपोर्ट मैनेज करके अदालत में फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किए और जज श्रीनिवासन ने ये फैसला सुनाया कि वो लाश हीना की ही थी और उसकी मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट ही थी। मुझे मजबूरन गैर कानूनी तरीके से हथियार उठाने पड़े और मैं देखकर हैरान था कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और हीना जैसी और भी बहुत लड़कियां हैं जो अचानक ही गायब हो गई। ये सब तो सिर्फ एक खेल के मोहरे हैं साहब, इन सब के पीछे किसी और बड़ी ताकत का हाथ है। इस सब के पीछे जो भी है, उस चौथे आदमी को आपको ढूंढना ही होगा साहब, जिस तक आपको सिर्फ अर्जुन के मारन ही पहुंचा सकता है। आप कुछ करेंगे ना साहब? जेल से निकलते ही मैंने सबसे पहले उस व्यापारी को ठोक डाला। अब बस हीना को ढूंढना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। उस चौथे शख्स तक पहुंचने के लिए मुझे अर्जुन के मारन तक पहुंचना होगा, जिस तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक प्लान है। कानून की आड़ में रहकर ही इंसाफ किया जा सकता है। मैंने उस जज श्रीनिवासन को इस तरह ठोका कि चेन्नई में ट्रांसफर हुए कमिश्नर को केस सॉल्व करने के लिए मेरी ही मदद लेनी पड़ी। अब बस कल की ब्रेकिंग न्यूज के बाद डिपार्टमेंट की कॉल का इंतजार है। इस वक्त की ताजा खबर, हाईकोर्ट जज श्री श्रीनिवासन पर गोलियां चलाकर उनकी भीषण रूप से हत्या की गई है। आज सुबह तकरीबन 5 बजे हाईकोर्ट जज के ECR फार्म हाउस पर उनका पार्थिव शरीर पाया गया। अपनी सुबह की सैर पर निकले श्रीनिवासन पर कुछ अनजान व्यक्तियों ने अचानक ही भयानक हमला करके उनका कत्ल कर दिया। ये कत्ल कैसे हुआ, कातिल कौन है, इस कत्ल के पीछे उनका मकसद क्या था, इसका पुलिस डिपार्टमेंट ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। ए, कौन है रे तू? चिरकुट उठा के बाहर फेंकूंगा, चल हट। क्या बता सकते हैं कि इस कत्ल के पीछे कौन हो सकता है? अभी हम कुछ भी बोल नहीं सकते। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, हम एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जज को दिन दहाड़े मार डाला, मजाक चल रहा है क्या? जज साहब का मर्डर सुबह 5 बजे के आसपास हुआ है। कातिल ने टोटल 4 बुलेट फायर की हैं। हर बुलेट अंदर जाकर बाहर आई है, लेकिन क्राइम सीन पर हमें कोई भी बुलेट नहीं मिली है। सबसे अजीब और कंफ्यूजिंग पहलू यह है कि ये 4 गोलियां 2 अलग अलग गन से फायर की गई हैं। लेफ्ट चेस्ट पर जो 2 बुलेट्स हैं वो 8mm रेवन टाइप गन से फायर की गई हैं, लेकिन राइट साइड चेस्ट पर 2 बुलेट्स किसी अजीब सी गन से फायर की गई हैं। उसके बाद कातिल ने चाकू का इस्तेमाल करके जज साहब का सर काट डाला। ऐसा अजीब केस देखकर मैं हैरान हूँ सर। सर, जज साहब का कोई साइड बिजनेस भी था और जब सड़क पर मर्डर हुआ था उसी वक्त एक लाल रंग की गाड़ी वहां से निकली थी। इसके अलावा
और कोई क्लू नहीं है सर। फालतू का ज्ञान पिलना बंद करो, कुछ नया बताओ। ये बकवास तो न्यूज में भी चल रही थी, मीडिया वाले सुबह से डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक आइडिया है सर, मैंगलोर का पुराना एसीपी रुद्रा मानिकवेल याद है आपको? जबरदस्त पुलिस ऑफिसर था, ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक होल्डर इन पुलिस ट्रेनिंग। रुद्रा मानिकवेल का नाम सुनते ही मैंगलोर के एक एक क्रिमिनल के रोंगटे खड़े हो जाते थे। स्मार्ट, ब्रिलियंट और पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अगर आप उससे बात करेंगे तो शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। तो फिर फोन लगाओ उसे। ओके सर। हेलो, रुद्रा मानिकवेल, कमिश्नर मुरुगन बोल रहा हूँ। हाय सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? एकदम मजे में सर। रुद्रा मानिकवेल, हाईकोर्ट जज श्रीनिवासन के कत्ल की कोई न्यूज देखी? हाँ देखा सर, दो दिन से न्यूज चैनल वाले वही पका रहे हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, गोली बाहर निकलने के निशान हैं, लेकिन बुलेट्स नहीं मिले। सिंपल सर, हर गन से गोली निकलने का अपना अलग फोर्स होता है। शरीर को छेदने के बाद गोली कितनी दूर जाकर गिरेगी इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसको गन का पूरा अभ्यास हो। सिग्मा शूटिंग टेक्नोलॉजी, अगर एक्सपर्ट होगा तो रिकवर कर लेगा। रुद्र मानिकवेल, क्या ये पॉसिबल है? मुमकिन है, लेकिन सबके बस की बात नहीं। ओके, थैंक यू रुद्र मानिकवेल। थैंक यू सर। इस केस के लिए ये सही बंदा है, इसी को सौंप देते हैं सर। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, 6 महीने पहले मैंगलोर में हुए मोतीलाल सेठ के केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मानिकवेल को उस केस के बाद 6 महीने की सजा सुनाई गई थी और वो नौकरी से भी इस्तीफा दे चुका है। लेकिन रुद्र इस केस के लिए सबसे सही ऑफिसर है, किसी भी तरह से मनाने की कोशिश करो, डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है, वो आखिरकार एक पुलिस ऑफिसर है, समझ तो जाएगा ही। कल मुझे उससे मिलना है। ओके, सब ठीक रुद्रा? सर आओ। ओके फाइन सर। मिस्टर रुद्रा मानिकवेल। सर आओ रुद्रा मानिकवेल, आओ बैठो। मुरुगन ने बताया मुझे तुम्हारा रिकॉर्ड लाजवाब है। थैंक यू सर। हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हमें ये केस बहुत जल्दी सॉल्व करना है। ओके सर, इस केस में मुझे पूरी आजादी चाहिए। किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। पॉलिटिशियंस की टेंशन नहीं है, उन्हें मैं संभाल लूंगा। मुझे अपने डिपार्टमेंट से भी कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए, जो करूंगा अपने तरीके से। ओके मानिकवेल, गो अहेड, चिदंबरम तुम्हें स्पेशल टीम से मिलवा देगा। गुड लक। थैंक यू सर। ए, पुलिस में नौकरी तो सिफारिश से मिल गई, लेकिन तू स्पेशल टीम में कैसे पहुंचा रे? स्पेशल सिफारिश थी ना। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर पंडरीनाथ, होनहार ऑफिसर, महाराष्ट्र से ट्रांसफर होकर आया है, आपके काफी काम आ सकता है। वेरी स्मार्ट, अकेला 10 के बराबर है। ही इज सब इंस्पेक्टर नंद कुमार सर, धर्मदास मर्डर केस में असिस्ट किया था। ही इज इंस्पेक्टर राजागोपाल। मुझे सिर्फ 2 ऑफिसर चाहिए सर। इस टीम में 10 लोग होने चाहिए, ये कमिश्नर साहब का ऑर्डर है। हाँ तो हो गए ना, तुमने ही तो कहा 10 के बराबर है। आज से ये दोनों मेरे साथ काम करेंगे। अरे अपना तो पत्ता ही काट दिया। क्यों रे, तेरी स्पेशल सिफारिश का क्या हो गया? मर गया मैं। सर जज साहब डेली 5:30 बजे को उठ जाते, 7:15 बजे को योगा और मेडिटेशन, 7 बजे टेनिस खेलने जाते थे, उसके बाद बीच पर वॉक और फिर। नाम क्या बताया आपने? पंडरीनाथ साहब। इधर अच्छी चाय कहाँ मिलती है? गाय साहब चल चाय पे चर्चा करते हैं। सर पंडरीनाथ साहब। हाँ क्या भंकस चाय है यार। साहब सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया, आज नशा करके चाय बनाया लगता है। जिम जाके डोले शोले बनाने से कुछ नहीं होता बे, टॉप फ्लोर खाली है जरा उसे भर। साहब जज साहब के घर के लिए देर हो रही। सुन, हम वहां शोक व्यक्त करने जा रहे हैं, उसे वापस जिंदा करने नहीं, आराम से जाएंगे। 2 घंटा आराम कर लेते ना। सिफारिश से नौकरी मिली ना तुझे? यस सर। चल चाय का पैसा दे। चले सर।
लाइफ में पहली बार हाइपिंग। सर के साथ गोइंग। ए चिरकुट, पीछा कर। ओके सर। हाँ बोलो। इस वक्त कहाँ हो तुम? क्राइम स्पॉट पे जा रहा हूँ। पीछे अपराधी बैठा है क्या? सॉरी सॉरी, बाद में कॉल करती हूँ। अपराधी नहीं बेबी, सीनियर इंस्पेक्टर है। क्या नाम है तेरा? पंडरीनाथ साहब। पंडरी? पंडरीनाथ। बेबी एलिफेंट कह ले। ठीक है, घर जल्दी आना, बाय। बेबी एलिफेंट भी कोई नाम है क्या? इतने लोग क्यों हैं यहाँ पे? लंगर बट रहा है क्या? चल खाली करवा इनको। साहब साहब, इन लोगों से पूछताछ करनी जरूरी। क्या पूछताछ करेगा? खाली भोकट अपने को पका रहा है। क्या बोला रे? कुछ नहीं साहब। चर्बी चढ़ी है, शाना बनता है। मैं कुछ नहीं बोला। ए बेबी एलिफेंट, इतनी गर्मी क्यों है तेरे में? बोला ना जाने दे सबको। अरे फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर तो ले लेते। राशन कार्ड और पासपोर्ट भी ले ले। काय साहब, कमिंग विदाउट जीपीएस, जगह तो सही है ना? थैंक यू मेरी राम प्यारी, तूने टाइम पे पहुंचा दिया। आहा, इधर तो पूरा दाल ही काला है। आई क्रिमिनल फाइट एंड प्रमोशन गेट एंड देन गर्लफ्रेंड एंड देन नॉटी। साहब, जज साहब रोज यहाँ अपने वॉक के लिए जाते थे। वो वहां उधर लेफ्ट कॉर्नर पे योगा और मेडिटेशन करते थे। इधर जमीन का भाव क्या चल रहा होगा? क्या सॉरी सर, आई टेकिंग एविडेंस इन फोटोग्राफ सर, मतलब मैं सुराग ढूंढता सर। वो व्हाट्सएप ग्रुप देन शेयर सो देन वी कैच कातिल सर। इट इज यूजफुल डूइंग दिस सर, है ना? ये देवा, ये सारे नमूने मेरे ही पल्ले पड़े हैं। मेरे को इज्जत ही नहीं है। हाउ कम आई? सुन बे बेबी एलिफेंट। बोला सर। आज के लिए इतना टाइम पास काफी है, जांच के ड्राइवर को ढूंढ, कल उससे मिलते हैं। फालतू में स्कूटी लेकर आया। जज साहब के यहाँ 15 साल ड्राइवर था, अब इस गैराज में काम करता है। जम के इंक्वायरी लेते हैं सर। अबे चलना। साहब वही चल। ए उबले हुए अंडे, बाकी सब लगे रहो। साहब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यार कोई चाय पिलाएगा क्या? आई गेट सर फुल कड़क। नाम? नरसिम्हा। अरे जज साहब को आखिरी बार कब देखा था? वो मैं। हाँ बेबी। हेलो, बिना बताए कहाँ भाग गए? पुलिस की ड्यूटी है भाई, कभी भी आना जाना पड़ता है। तो क्या बिना बताए जाओगे? घर है कि होटल? रात को सबक सिखाऊंगी। मार मार के कुर्ता बना देगा मेरा, क्या समझे तू? इससे सवाल पूछा तो मेरे को अकड़ दिखाता है। सर मैं सही बता रहा है साहब, ये खाली पीले खुन्नस निकाल रहा है मेरे पे। खुन्नस अभी निकाल के। जा जा और चेक कर चाय कहाँ है। जा सर। चलिए सर, चलिए सर, प्लीज ले। रहने दो साहब, खून निकल रहा है सर। टी सर। गुस्सा मत कीजिए सर। 2 दिन और मिलता ना तो मैं ये केस सॉल्व करके दिखाता। कोई काम का नहीं है ये। सर प्लीज शांत हो जाइए। हट रहे। कितने साल से काम कर रहा है? अभी 6 महीना हो गया साहब। साहब रहने दो साहब। देख रहे, रिश्वत दे रहा है साहब। मुझे नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए। नहीं चाहिए। मरम्मती कराना। शांत हो जाइए, उनका तरीका अलग है। अरे मेरा तरीका देखा किधर है? अभी कौन सी मनोज घड़ी थी जो इसके साथ रख दिया? साहब जज साहब का एक जिगरी दोस्त है, वो वकील रामचंद्रन, उनके सलाह के बिना जज साहब कुछ भी नहीं करते थे। एड्रेस पता है? मालूम है साहब। नंदा सर। ओके सर, एड्रेस दे बे।
मानिकवेल सर, इस केस में आपके तरीके से चलेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। कोरे कागज पे लिख के देता हूँ, आपका तरीका ऐसा है कि बूढ़े हो जाएंगे तो भी केस सॉल्व नहीं होएगा। जो मन में आया वो बोल दिया सर, दिल पे मत लेना। ले लिया मैंने दिल पे, चल अब कट ले यहाँ से। ले लिया दिल पे? नहीं सर, उस दिन मैं जज साहब से नहीं मिला, लेकिन आप इंस्पेक्टर रत्नाकर से जरूर मिलिए, क्योंकि जज साहब उनसे काफी बार मिलते थे। वो पुलिस इंस्पेक्टर रत्नाकर, उसने सारे रिपोर्ट मैनेज करके अदालत में फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किए और जज श्रीनिवासन ने ये फैसला सुनाया कि वो लाश हीना की ही थी। रत्नाकर जरूर कुछ बता पाएगा। थैंक यू। सब सब कमिंग सर, ऑन ड्यूटी सर। छाता पकड़ना आता नहीं और बंदूक चलाएगा? नो सर। इंस्पेक्टर रत्नाकर, पहले तुझे खत्म करूंगा और फिर तेरे जरिए अर्जुन के मारन तक पहुंचूंगा। 1927। ये क्या? मैं एग्जाम के लिए दिन रात एक कर रही हूँ और तुम घोड़े बेच के सो रहे हो। कल के एग्जाम के लिए ना रिलैक्स्ड होना चाहिए। किताब छोड़ो और मेरे पास क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। यार ये तारीखें याद करने में दिमाग पच्ची हो जाता है। ऐसा है क्या? तो बता मेरा बर्थडे कब है? 3 अप्रैल। और उस दिन हमने क्या किया था? मुझे अच्छे से याद है, हम दोनों उस दिन मंदिर गए थे। मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और तुमने ब्लैक शर्ट व्हाइट पैंट के साथ। और उसके बाद आइसक्रीम खाई थी, मुझे सब कुछ याद है। कैसे? कैसे? क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। पसंद याद रहती है वो सब तो ठीक है मेरी जान, लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल साइमन कमीशन कैसे याद रखूंगी मैं? क्या कर रहे हो? साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927। तुम मुझे एग्जाम के लिए ही तैयार कर रहे हो ना? हाँ बेबी, इधर आओ। 1974। लेकिन वो बहुत सारे इवेंट्स हैं। फोटो से तो सिर्फ शुरुआत है। अनु। हाँ बोलो। साइमन कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, कारगिल वॉर। आपके इरादे अच्छे से समझ रही हूँ। आप ऑफिस जाइए, मैं एग्जाम देती हूँ। ओके। बाय। तुम्हें जाना नहीं है? पंडरीनाथ बोल रहा हूँ साहब, वो रामपुरम रवि आया। सोना, अपनी बीवी के साथ एक जरूरी काम से बाहर हूँ, फोन करता हूँ। काम चोर साला, बाइकों के आजू बाजू घूम रहे, ऐसे केस सॉल्व होएगा? ये घंटा कुछ नहीं उखड़ने वाला। अरे मैं खुद ही इंक्वायरी करेगा। सर, आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? उनके आने का वेट करते हैं ना। वो आएगा तो केस सॉल्व हो जाएगा। मैंने मुश्किल से बकरे को फंसाया और वो आते ही क्या बोलेगा? स्पेशल चाय पिलाओ फिर दिमाग की बत्ती जलेगी। आता तू बग मैं कैसे हैंडल करता हूँ? सर रुक जाइए सर, प्लीज सर। जैन सर बोल रहे साहब, वो क्या है ना, मार्केट में अपन ने दुकान दिया भाड़े पे, उधर एक का हाथ काट दिया मैं, वो तो जज ने देख लिया, अपुन अंदर नो बेल, कोपड़े आउट हो गया तो जान का धमकी दे दिया मैं, और अपुन का इससे कोई लेने देना नहीं है साहब। लगता अब तक कातिल पकड़ा नहीं गया। क्या मालूम कैसा छानबीन करते तुम। अरे छेंगुर, पुलिस के पावर पर शक करेगा साहब? ऐसा बिना वजह हाथ लगाना अच्छा नहीं है। क्या करेगा रे, क्या उखाड़ लेगा तू? बोल कहां तक पहुंचे तेरी, जा बुला हम लोग को। अरे साहब मारता काई को है? ए, सर, वीडियो निकाला तूने? सर मैंने गलती से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज डाला सर। इधर ला। सर पुलिस का पावर देखेगा। मारता काई को है? पुलिस का पावर। उनको जानता नहीं है क्या? क्या हो रहा है यहाँ? कॉलर छोड़ उसका, निकल बाहर निकल। अगली बार मुझसे पूछे बगैर इस केस में कुछ किया ना। मेरे को धमकी दे दो, पता नहीं कौन से नमूने को उठा के लाए।
साला ये कातिल पकड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं इस्तीफा ही दे दूं। भाड़ में जाए केस। हेलो सर, पंडरीनाथ है क्या वहाँ? मैं उनकी वाइफ बोलती। पंडरीनाथ सर तो कब के निकल गए? सर वो हमारी बच्ची को स्कूल से लेने जाने वाले वाइफ है लाइन पर। समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है। बहुत टाइम से मैं उनका फोन ट्राई कर रही है। हाँ मैडम क्या हो गया? सर वो हमारी बच्ची को स्कूल से लेकर आने वाले थे। अब 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं लौटे। उनका फोन ट्राई किया लेकिन सिर्फ रिंग बज रहा है, उठा नहीं रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, बहुत डर लग रहा है मुझे। अरे मैडम टेंशन न को, मैंने उसे कहीं भेजा है, वापस आता ही होगा। अगली बार मुझसे पूछे बगैर इस केस में कुछ किया ना। ए, तूने मेरे पे हाथ उठाया ना, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। भाई वो पुलिस ने अपन को अंदर पंजर हिला डाला, उसका गमन तोड़ना पड़ेगा भाई। इसी हाथ से मेरे भाई को मारा था ना तूने, इधर ला वो। इसके बाद रामपुरम के आदमियों को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। ये लड़ाई हम भाइयों की है, निकालो इसे यहां से। डिपार्टमेंट का हर एक आदमी मेरा परिवार है। बेटा तुम यहां खेलो, अंकल जरा उनके साथ खेल के आते। इंस्पेक्टर पंडरीनाथ पांडुरंग फणसेकर। पापा,
पापा। हाँ बेटा। बहुत दर्द हो रहा है पापा। नहीं बेटा, दर्द नहीं हो रहा है। सब्र और सहनशीलता को कभी किसी की कमजोरी मत समझना। साहब। पंडरीनाथ। वो सर। एक पुलिस ऑफिसर को डिपार्टमेंट के लिए काम करना चाहिए या पब्लिक के लिए? वैसे दोनों का मतलब एक ही है साहब। नहीं, बहुत फर्क है। मैं समझा नहीं सर। सब समझ जाओगे एक दिन, लेकिन जब तक नहीं समझोगे तब तक जैसा मैं बोलूं वैसा करते जाना। जय हिंद। तो आज का प्लान क्या है पंडरीनाथ? तू रुक रे बाबा, इन्हें क्या हो गया आज? पहले चाय पीजिए साहब। Fantastic tea. Thank you, sir. पहली बार अच्छी चाय पिलाई तूने पंडरीनाथ। सर, आप मेरे को बेबी एलिफेंट बुला सकते हैं। खैर, वकील ने उस दिन इंस्पेक्टर रत्नाकर से मिलने को कहा था। हो साहब। क्लास ले लें उसकी। ये डोर तो लॉक है। चल पड़ोस की नानी को अपना नंबर दे और बोल अगर रत्नाकर घर वापस आए तो हमें फोन करे। ओके सर। सर, इंस्पेक्टर रत्नाकर बोल रहा हूँ। आप मुझसे मिलने घर आए थे, बात क्या है सर? अरे कुछ नहीं, जनरल इंक्वायरी है। फ्री हो क्या मिलने के लिए? वैसे अभी कुछ पर्सनल काम में बिजी हूँ थोड़ा। हाँ ठीक है, कल मिल लेंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। एक घंटा मिलने के लिए हफ्ता भर वेट करवाती हो तो मैं, ये अच्छी बात नहीं है। शालू, मुझे जाना होगा, हम कल मिलते हैं। क्या हुआ? कल मिलते हैं ना, प्लीज जाओ। आराधना कर, बोलो क्या हुआ? सर, किसी अननोन नंबर से एक धमकी का मैसेज आया है। सर क्या मैसेज? लिखा है अपने आखिरी पल एंजॉय कर लो। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। पुलिस वाले होकर डरते हो? इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं होटल प्लाजो में हूँ सर। ओके, घबराओ मत, मैं आता हूँ। ओके सर। रत्नाकर, इधर हो तुम? मैं पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा हूँ सर। ओके, मैं आता हूँ। सर आप किधर हैं? सुन, मैं पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा हूँ, जल्दी आ। ओ साहब। जय हिंद सर। ना, फोन तो नहीं लग रहा। उधर देखो। सर, किसी अननोन नंबर से एक धमकी का मैसेज आया है सर। ओके, मैं आता हूं। गाड़ी नंबर क्या था? रत्नाकर। पुलिस डिपार्टमेंट पर लगे इस कलंक की मौत की टिकट तो आज मैंने काट डाली, लेकिन अब इसी की मौत मुझे अर्जुन के मारन तक पहुंचाएगी। पंडरीनाथ साहब, मैं ठीक है साहब, ठीक है। जरा इसे पकड़ो। ओके सर। इसका फोटो ले लो। ये क्या हो रहा है मानिकावेल? जज का मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, अब यह दूसरा मर्डर, वो भी हमारे डिपार्टमेंट से। दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? मुझे नहीं लगता सर। ये दोनों खून दो अलग अलग लोगों ने किए हैं।
माणिकवेल, तुम्हें प्रेशर का अंदाजा है ना? ऊपर से सर, मुझे और वक्त चाहिए। क्लियर रिपोर्ट सबमिट होगी। सर, हमारे यहाँ होते हुए कातिल ने अपना काम कर दिया। पक्का जज का मर्डर और ये कत्ल एक ही आदमी ने किया है। दोनों अलग लोगों ने किए हैं। नहीं सर, मेरे को लगता है एक ही आदमी है और वो बहुत देर से हमारा पीछा कर रहा है। इतना ही नहीं सर, बॉम्ब ब्लास्ट के तकरीबन 3 मिनट के दौरान फ्लोर के सारे सीसीटीवी कैमरास हैक हो गए थे और पुराने वीडियोस दिखा रहे थे। इंस्पेक्टर रत्नाकर के फोन को एनालिसिस के लिए भेजो। ओके सर, अभी करता हूँ। जय हिंद सर। सर, मोबाइल के फाइल रिकवर हुए क्या? हाँ, रिकवर हुए हैं। बढ़िया, थैंक यू सर। पर कुछ तो गड़बड़ है सर। 48 घंटे पहले इंस्पेक्टर रत्नाकर का मोबाइल किसी ने हैक करके उसका सारा डेटा चुरा लिया है। जिस डिवाइस पर कॉपी हुआ है वो ट्रेस हो सकता है? श्योर सर, इट्स सोनी वायो 2015 मॉडल सर। आईपी एड्रेस? इंस्पेक्टर रत्नाकर के मोबाइल का सारा डेटा किसी आदमी ने हैक किया था, उसका एड्रेस पता चल गया है सर। केके नगर रोड नंबर 2 पर रहता है। फोर्स लेके पहुंचो, मैं आता हूँ। ओके सर। खोल रहा सर। साहब, हम ड्राइवर से पूछताछ कर रहे थे ना, यही उस दिन हमारा पीछा कर रहा था। सिर्फ उस दिन ही नहीं, चाय की टपरी, जज का घर, इंस्पेक्टर रत्नाकर का घर, ये हर जगह ही हमारा पीछा कर रहा था। साला क्या नमूना है तू? हैं? देख, मैं जानता हूं कि तू कातिल नहीं है, चल बता। साहब, 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 साहब। ए, निकल। सर, सर। आउट। साहब। सुन। ये टपक गया क्या? आप नए डिपार्टमेंट का आदमी है, अंडरकवर। इसी केस पे काम कर रहा है। साला हमारा डिपार्टमेंट हम पर ही नजर रखने के लिए आदमी रखता है। देखा तुमने? वही साहब। अपने ही लोगों को अपने पर भरोसा नहीं, खाके की इज्जत ही नहीं है। माफ करना, आप पुलिस ऑफिसर नहीं लगते। अरे नहीं लगने गए तो इनको पगार मिलता है सर। चुप रहो। कल शाम डीजीपी से मीटिंग थी। गुड मॉर्निंग सर। माणिकवेल, मीट मिस्टर कैलाश, अंडरकवर यूनिट। मिल चुके हैं सर। बहुत अच्छे से। देखो, ये एक हाई प्रोफाइल केस है, कुछ चीजें बिना बताए ऊपर से डिसाइड होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ बोलो कैलाश। सर, ये तस्वीर इंस्पेक्टर रत्नाकर के फोन से मिली है सर। जज रत्नाकर और उनके साथ है अर्जुन के मारन। इन सब के पीछे किसी और बड़ी ताकत का हाथ है, जिस तक आपको सिर्फ अर्जुन के मारन ही पहुंचा सकता है। कामयाब बिजनेसमैन है, हो सकता है दोनों मर्डर्स में इसका ताल्लुक हो, या ये अगला टारगेट भी हो सकता है। अगर इससे पूछताछ की जाए तो केस को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। तो उसको जल्दी कॉन्टेक्ट करो। मैंने कोशिश की थी सर, लेकिन इस वक्त वो जर्मनी में है। तो अब क्या? वो मंडे को लौट रहे हैं, तब उनसे मिल के बात करेंगे। ओके। साहब, ये केस को आप सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? मेरा मतलब, सीरियसली ले रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा और सीरियस रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, एक्चुअली नहीं सर, थोड़ा सीरियस रहेंगे ना तो एक दिन में कातिल को पकड़ लेंगे। अरे सर, मेरा पैर काहे को पकड़ रहे हैं? अरे मैं कोई बाबा बाबा नहीं है। देवा, 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 देवा। अर्जुन के मारन, बड़ी मछली। इसके लिए अब जाल तो सोच समझ कर बिछाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जरिए ही मैं उस चौथे शख्स तक पहुंच सकता हूं और हिना की सच्चाई जान सकता हूं। बस इसी पल का इंतजार था मुझे। गुड मॉर्निंग सर।
गाइस सर, लगता है आपको इधर ही रुके थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय सर, गुड मॉर्निंग। हाय। मॉर्निंग सर। सॉरी सर, सर को तुरंत ही एक और अपॉइंटमेंट है, इसलिए प्लीज 5 मिनट से ऊपर नहीं लेना। सर, इस फोटो में आप जस श्रीनिवास और इंस्पेक्टर रत्नाकर के साथ खड़े हैं। किसी शातिर दिमाग ने बहुत प्लानिंग से बखूबी इन दोनों का मर्डर किया है। हमें शक है कि कातिल के अगले टारगेट आप हैं। आपकी जान को खतरा है, आपको सतर्क रहना होगा। कातिल जरूर आप पर हमला करने की कोशिश करेगा और इसलिए हमें आपकी प्रोटेक्शन का जिम्मा सौंपा गया है। डिपार्टमेंट का कोई आदमी हर वक्त आपके साथ रहेगा। और आपका आखिर जज श्रीनिवास और इंस्पेक्टर रत्नाकर के साथ क्या संबंध था? यूरोप में तमिलनाडु पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है, लेकिन आप लोग तो डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे हैं। वो देखो, ली मेरिडियन की मेरी बर्थडे पार्टी। इस फोटो में मेरे अलावा 7 लोग हैं। तो अब क्या वो कातिल इन 7 लोगों को भी मारने जाएगा? एक फोटो क्या साथ में खिंचवा ली तो मतलब मैं टारगेट बन गया क्या? फिर भी मेरे सेक्रेटरी से इनके सारे एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर सभी कुछ ले लो। लंच बना हुआ है, जरूर खा कर निकलना। थैंक यू। थैंक यू सर। आपका इस जज और इंस्पेक्टर से क्या रिश्ता था, बता सकते हैं? कितनी बार पूछोगे? कुछ साल पहले जज श्रीनिवास मेरे वकील हुआ करते थे और रत्नाकर को मैं जज के जरिए ही मिला था। उसे सिर्फ 2 या 3 बार ही देखा होगा। Anyway, thank you, sir. इंक्वायरी का क्या हुआ? उसकी तरफ से कोई क्लू नहीं मिला सर। तो फिर आगे क्या प्लान है? माणिका वेल, तुम सुन रहे हो ना? अपडेट देता हूँ सर। ओके, लेकिन जल्दी। श्योर सर। ठीक है फिर। थैंक यू। हाँ, क्या जल्दी इधर को? सर, मारन की मीटिंग के सारे डिटेल्स मैंने कमिश्नर साहब को दिए। अब मारन के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इसलिए कमिश्नर के इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें मारन को बिना बताए फुल प्रोटेक्शन देनी है। मेरा मतलब आज शाम को ही सर। आज शाम को कातिल को पकड़ने के बाद। शाम को पकड़ेगा और कल तक फांसी भी दे देगा क्या? बात यह है कि डिपार्टमेंट से बहुत प्रेशर है, इसलिए कमिश्नर ने जल्दी। अच्छा, एक बात तो बता, 6 महीने पहले तेरी बिल्डिंग के वॉचमैन का खून हुआ था, क्या हुआ उस केस का? वो क्या है कि मैं क्या बोलूं? नहीं नहीं नहीं, बोल। वो वॉचमैन का केस, एक जज मर गया तो साला तुरंत एक स्पेशल टीम, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, धनार्दन रिपोर्ट। क्यों, मुर्दों में भी भेदभाव करोगे? क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं सर। हाँ भाई, तुम नहीं समझोगे जब तक खुद पे नहीं बीतेगी। मेन रोड पे कितने लोग हैं? सर, यहाँ 5 ऑफिसर्स हैं। बी अलर्ट। यस सर। अरे अपम, नहीं तो सिंपल डोसा ही बना दो। हाँ ठीक है। ये आवाज कैसी? मच्छर। इधर 3 ऑफिसर्स हैं सर। इतने काफी नहीं है, 6 होने चाहिए। सुनो, आज रात टाइम पर घर आना है तुम्हें। हमारा एक काबिल ऑफिसर है, सब संभाल लेगा। हाँ बोलो। अच्छा, तुमने वहाँ का रास्ता बंद कर दिया? सर, बैरिकेड लगा के रास्ता बंद कर दिया। चौकन्ना रहना। मुत्तू। कहिए सर। वॉकी टॉकी की आवाज कम करने बोले। साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। और आसमान से टपकेगा तो क्या कर लेगा? जल्दी पकड़ो यार, टाइम को टिक करते हैं। गोली मत चलाओ, हमें जिंदा पकड़ना है। सर, वो बीच की तरफ से भाग रहा है। आई रिपीट, वो बीच की तरफ से भाग रहा है सर। रात को ठीक 11 बजे आपको मारन के घर में घुसना है। मैं आपको बैक साइड पे मिलूंगा। आपका काम हो गया, अब जाइए। किसी को भी छोड़ना मत सर। साहब, पकड़ में नहीं आए। ओह नो सर, हमने आपको अब समझ में आया हमने क्यों चेतावनी दी थी? समझ में नहीं आ रहा है सर, ये हो क्या रहा है? मुझे आखिर कोई क्यों मारना चाहेगा सर?
यस कैलाश यह 24 घंटे में जान से मार देने की धमकी दी है मुझे. व्हाट? मानिकवेल कहां है इस वक्त? सर अपॉइंटमेंट है. बोलो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस आई है. रुद्रा अगर प्रेस को पता चला कि मेरी जान को खतरा है मेरी शेयर वैल्यू 20% गिर जाएगी. 20% मतलब कितना होता है? लगभग 50 करोड़. बड़ी रकम है. धमकी देने के 50 करोड़ अगर टपका दिया तो. नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था. ये मजाक नहीं है मानिकवेल. मैं नहीं तो कंपनी नहीं. पूरे 500 करोड़ का लॉस. 500 करोड़. तो सर 50 करोड़ का 20% 10 करोड़ होता ना सर. तो क्यों ना हमें एक डील करते हैं सर. वो 10 करोड़ आप मुझे दीजिए और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि आपको कुछ ना हो. खास ख्याल विथ एक्स्ट्रा केयर. खुद यमराज भी आपको छू नहीं सकेगा. इतना क्या सोच रहे हो सर? अरे मैं आपके मुनाफे में नहीं आपके नुकसान में हिस्सा मांग रहा हूं. कुछ बातें हैं जो सिर्फ मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता है. मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है. आईपीएस खत्म करने के बाद मैंने भी ईमानदारी का रास्ता चुना था. मजा नहीं आया. साला पहले ही केस ने ईमानदारी का नशा उतार डाला. आपने मोतीलाल सेठ के केस के बारे में तो सुना ही होगा ना. उस केस में फंसा एसीपी मैं ही था. मेरी ईमानदारी ने मुझे एसीपी से एक मामूली किसान बना डाला. तभी मैंने फैसला किया मिट्टी से उठकर महलों में रहूंगा. जो सबक और सीख आईपीएस ट्रेनिंग में मुझे नहीं मिला उसे एक घटना ने मुझे सिखा दिया. तो ये दूसरी इनिंग्स मैंने सिर्फ पैसों के लिए खेलने का फैसला लिया. मुझे करोड़ों में खेलना है सर. थोड़ा अपने बारे में कुछ और बताइए. मैं आपको अपना आदर्श बनाना चाहता हूँ. अरे हमें भी आपकी लाइफस्टाइल की झलक मिलनी चाहिए. देखो कितना बड़ा घर है आपका. बाजू में बीच अंदर स्विमिंग पूल मस्त है. मुझे अपने सारे धंधों के बारे में बताइए सर. मैं आपके बहुत काम की चीज हूँ. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. बाहर वाला कैमरा चालू करो. हाँ कैमरा 4 चालू करो. चप्पे चप्पे पे अपनी फोर्स तैनात है सर. सिक्योरिटी बढ़िया है. इंप्रेसिव. थैंक यू. श्योर. ओके ओके. थैंक यू. साहब कमिश्नर साहब. हेलो. यस सर. कैसे चल रहा है मानिकवेल? आई विल टेक केयर सर. Sir!
इमीडिएटली ऑपोजिट बिल्डिंग को सर्च करो, जाओ जल्दी। ओके सर, ओके। सामने की बिल्डिंग पर लगे सारे कैमरास दिखाऊंगा। ओके सर। नंदा, इधर पूरा चेक किया मैंने सर, खाली राइफल मिला है और कुछ नहीं। बढ़िया काम किया रुद्रमाणिकवेल। थैंक यू सर। सर, सिक्योरिटी इतनी टाइट होने के बावजूद आसपास आए बिना ही उसने गोली चला ही दी सर। सामने की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से 900 फीट की दूरी थी सर। थैंक यू माणिकवेल। इस कमीने का भरोसा तो जीत लिया है, लेकिन इसका मुंह खुलवाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। मारन पर हमला रात 9 बजे हुआ था। आसपास के इलाके का सीसीटीवी फुटेज देखना होगा, कुछ तो हाथ जरूर लगेगा। जिस खूबी से कातिल भाग निकला, एक बात तो साफ है कि वो अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा, उसके साथ जरूर कोई है और उसे आसपास का इलाका अपनी हथेली से बेहतर मालूम है। माय गॉड, ये रहा, यही तो हमें चकमा देकर भागा था। वही गुलाबी कमीज, वही टोपी, ये तो पुरानी मस्जिद वाला इलाका। मस्जिद के गेट के सीसीटीवी कैमरे से कातिल की शक्ल जरूर दिख जाएगी। देखिए, मुझे मस्जिद के गेट पे जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज चाहिए। माणिकवेल, पैसे पहुंच गए? पैसे का क्या है सर, वो तो पहुंच ही जाएगा। आपको एक वीडियो भेजा है, देख लीजिएगा। पासे अब तक तो सही पड़ रहे थे, लेकिन अब मोहरे इस तरह चलाने थे कि जीतते जीतते दुश्मन की नाक के नीचे से फतेह हासिल हो। शक की सारी सुइयां नसरतुल्ला की तरफ घुमाना जरूरी था। इससे एक पत्थर से दो पंछी मारे जाएंगे। देख लिया सर? देख लिया माणिकवेल। जज को भी इसी ने मारा, इंस्पेक्टर को ब्लास्ट में भी इसी ने मारा। यही था जो आपको मारने आपके घर आया था, और स्नाइपर भी यही था। देखो, तुम चाहो तो और पैसे ले लो, बस उड़ा दो उसे। उड़ा देंगे, लेकिन लफड़ा क्या था उस बुड्ढे के साथ? बिजनेस में बनती नहीं थी हमारी। घबराने का नहीं सर, उसे पाताल से भी ढूंढ कर आपके सामने खड़ा कर दूंगा मैं। रिलैक्स। किताबों में जो पढ़ाया जाता था सर, ये दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। कुछ सही नहीं है सर। जब न्याय की ही संस्थानों में फरेब, सीनाजोरी, दगाबाजी की होती है जय जयकार, तब आता हूं मैं बनके रुद्रावतार। रुद्रावतार। मैं रुद्र माणिकवेल शपथ लेता हूं, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भारत के संविधान की रक्षा करूंगा।
मुझे अपने देश पर गर्व है और मैं हमेशा भारत माता की सेवा करूंगा। जय हिंद। अरे हमें भी आपकी लाइफस्टाइल की झलक मिलनी चाहिए। मारन ने आज तक उस चौथे शख्स का जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन इंसान का मुंह तब खुलता है जब उसके मन में खौफ पैदा हो। अब तू मेरे बिछाए जाल में फंस चुका है मानन, अब देखना मैं कैसे तेरे जरिए उस चौथे शख्स को पकड़ूंगा। हिना को ढूंढना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। सर, इस बूढ़े आदमी का नाम नसरतुल्ला है, पुलिस रिकॉर्ड तो यही कहता है। लेकिन सर, यह बूढ़ा आखिर मारन को क्यों मारना चाहता है? क्या जज और इंस्पेक्टर के खून से भी इसका कुछ लेना देना है? मेरे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, मतलब मैं उसके गांव जाकर उसके नजदीकी लोगों से मिला और आखिर में जब मैं उसके घर गया तो मुझे उसके हाथों से लिखी एक डायरी मिली। डायरी में साफ लिखा हुआ था कि नसरतुल्ला मारन को, जज श्रीनिवास को और इंस्पेक्टर रत्नाकर को अपनी पोती हीना का कातिल समझता था। याद है आपको, मारन हाल ही में मीटू के दौरान जेल गया था। उसको जेल भेजने वाली इस बूढ़े की पोती हीना ही थी। जज श्रीनिवास और रत्नाकर की मदद से मारन तो जेल से रिहा हो गया, लेकिन अगले दिन ही उसकी पोती हीना की मौत एक ट्रेन एक्सीडेंट के कारण हो गई और तभी से ये तीनों उसके रडार पर आ गए। इन लोगों को मारने से पहले उसने मैंगलोर में इलीगल तरीके से बंदूकें खरीदने की कोशिश की थी। नसरतुल्ला अवैध हथियार रखने के जुर्म में यहाँ बंद था। उसके जेल के एक साथी को फांसी की सजा सुनाई गई और उसे फांसी दी गई। दूसरा एक साथी था भूमिनाथन, पिछले हफ्ते ही जेल से बाहर निकला है। अब जैसे ही जज के मर्डर में इस्तेमाल हुई वो दूसरी गन की डिटेल्स हमें मिलेंगी, हम ये केस क्लोज कर सकते हैं। गुड जॉब कैलाश। नए होटल प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स चेक किए तुमने? रहने दो साहब, ऊपर वाला सब देखता है। मारन के साथ वक्त गुजारने के बाद यह एहसास हुआ कि एक मंझे हुए जुआरी की तरह जितने पत्ते उसके हाथ में हैं उतने ही उसके आस्तीन में भी हैं। मारन से उस चौथे शख्स की जानकारी हासिल करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, भगवान कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोल देता है। आखिर देर क्यों हो रही है? बोलूंगी बाहर बताना।
आइए सर, इस तरफ, इस तरफ सर, जल्दी जल्दी सर। पेट के अंदर कांच के टुकड़े फंसे हैं, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, कंडीशन सीरियस है। एक काम कीजिए, आप कंसेंट फॉर्म साइन कर दीजिए। डॉक्टर, वो बच तो जाएंगे ना? सॉरी, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है, ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। हेलो, अर्जुन के बारा दिया। यस सर, डॉक्टर चंद्रशेखर दिया। मरीज की हालत बहुत ही नाजुक है सर, हम कोशिश कर रहे हैं। तुम खर्चे की परवाह मत करो, उसकी जान बचनी चाहिए। जरूरी है तो फौरन से डॉक्टर्स बुला लो, मैं अरेंज कर दूंगा। ठीक है सर। कहाँ है? सेकंड फ्लोर, सीसी। लेट्स गो। सर, अब कैसी हालत है उसकी? सर, ऑपरेशन जारी है, कंडीशन सीरियस है। उसे इस तरह कैसे भेज दिया तुमने, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी सिक्योरिटी के? कैसे हुआ ये? चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ है। मूर्ति, अब तुम्हारा पूरा ध्यान मानिकावेल की रिकवरी पर रखो और वो मुझे ड्यूटी पर वापस चाहिए। होटल क्लासिक में एक राक्षस की नजर उस पर पड़ गई, अर्जुन के मारन। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। हो साहब। तुम्हें होटल क्लासिक जाना है और इस साल की सारी सीसीटीवी फुटेज लाकर मुझे देनी है। कालाकोट सीनियर इंस्पेक्टर पंडरीनाथ। यस सर। इस साल का तुम्हारे होटल का सारा सीसीटीवी फुटेज हमको मांगता है। सॉरी सर, लेकिन पिछले महीने जो आग लगी थी उसमें सारा सीसीटीवी फुटेज जलकर राख हो गया सर। हमने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर दी है। अब आगे जो भी करना है बाद में बताऊंगा। हो साहब। हाँ साहब। केस के बारे में कुछ बात करनी है। जी बोली। 20 मई को उसी होटल में एक एड फिल्म की शूटिंग हुई थी। प्रोडक्शन कंपनी के पास पक्का फुटेज होगी उस दिन की, उनका पता लगाओ जल्दी से जल्दी। ठीक है साहब, जैसा बोला वैसे कर। तेरा सेट किधर है? आप चाय पियोगे? साफ बिस्किट मिला साहब, हार्ड डिस्क। अभी करना जरूरी है क्या? बस थोड़ी सी देर। आर्मरी से कार्तिकेयन बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो ना सर।
जज के मर्डर में जो गन इस्तेमाल हुई थी उसकी डिटेल्स मिल गई हैं सर। M51, ताइवान से मंगाई है। ये गन कोई आम आदमी के चलाने की बस की बात ही नहीं है सर। प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये गन मार्केट में अवेलेबल नहीं है सर। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2008 में सरकार ने ये ताइवान से इंपोर्ट की है सर। अच्छा, कार्तिकन गन ओनर्स के लिस्ट से एड्रेस मिल सकता है? वो डेटा लिस्ट तो हमारे पास नहीं है सर। अच्छा, कहाँ मिल सकता है? मेरे ख्याल से दिल्ली आर्मरी को कॉल कीजिए, वो आपको बता देंगे। हमें दिल्ली आर्मरी कॉल करके उस अनोखी गन की जानकारी मिल सकती है सर। तुरंत कॉन्टेक्ट करो उन्हें। मेरी सारी रिपोर्ट्स ले लेना। ओके सर। उसके पास एक आईफोन 10 है, डायमंड एडिशन। चेन्नई के सारे आईफोन डीलर से पूछताछ करूंगा। वो फोन एक स्पेशल एडिशन फोन है, खरीदारों की लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं होगी। साहब, पता लगाया मैंने, कुल 150 लोगों ने ये फोन खरीदे। परचेज डेट एज के मुताबिक सब शॉर्टलिस्ट करो। हेलो सर, जिस दिन आप पर हमला हुआ था उसी दिन एक फोन की लोकेशन से मारन के ऑफिस से मैच हो रही है। लोकेशन शेयर करो। ओके सर, लेकिन साहब आप अकेले जा रहे हैं? इस बार मैं तैयार हूं। माणिकवेल, मरण को मारने के लिए मैंने ही आदमी भेजा था, लेकिन तुम मुझे बाद में पकड़ना, पहले अपनी बीवी को तो बचा ले। मानिक, 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 Hey!
अनु ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। के लिए काम करता है तू? मानिकवेल, ये कौन था सर? क्यों मारने आया था ये मुझे? उस दिन वो बुढ़ा आदमी आपको मारने के लिए आया, आज ये आगे और कौन कौन आने वाला है किसी को कुछ पता ही नहीं। सर आंखों पे पट्टी बांध के कुछ जाने बिना मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। रुद्रा, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। इन सब घटनाओं का कारण सिर्फ एक ही आदमी है और वो है माइकल। वेरेंसिया इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा तुमने, उसका मालिक। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा ही कामयाब बिजनेसमैन। हेलो सर, व्हाट्स गोइंग ऑन? द प्रोजेक्ट इज नियर कंप्लीशन। ऊपर बैठे कई नेताओं का भी उसे सपोर्ट है। मैं माइकल का पार्टनर हुआ करता था। एक दिन उसने एक बड़े प्रोजेक्ट में मुझे पार्टनरशिप देने की बात की और मुझे क्लासिक होटल बुलाया। होटल जाके मुझे पता चला कि माइकल का असली धंधा कुछ और ही था। औरतों के मामले में वो एकदम साइको है। वो मासूम लड़कियों को अगवा करता, रत्नाकर और जज श्रीनिवास जैसों की मदद से उनको मृत घोषित कर देता और बाहर के मुल्कों में बसे रईसजादों से वो उनकी सौदेबाजी करता है। माइकल लड़कियों को बेचने का सिंडिकेट चलाता है। उसी दिन क्लासिक होटल के लिफ्ट में वो एक लड़की से टकराया जो कि उस बुड्ढे की पोती हिना थी। हिना कुछ पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम मॉडलिंग करती थी। बाद में बात करता हूं। हाय, तुम्हारा नंबर मिल सकता है? उस मीटिंग के दौरान मुझे पता चला उस लड़की ने उसकी इंसल्ट की थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर माइकल। जज और इंस्पेक्टर भी साथ में आए हैं। हाय। जिस काम के लिए बुलाया उसके लिए तो बात ही नहीं की इन्होंने। तुम बात करो। माइकल ने मुझे जज श्रीनिवास और इंस्पेक्टर रत्नाकर को साथ लाने को कहा था। सर आपने ही उन्हें बुलाया था, हमारी मदद के लिए आए हैं। सर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए उनसे मिलना चाहते थे, कोई परेशानी है? माइकल ने मुझे बताया कि वो उस लड़की को किसी भी हाल में चाहता है और मुझे उसे फंसाने को कहा। हाँ
माइकल के साथ हाथ मिलाने का मतलब करोड़ों में खेलने समान था। मैं उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुरंत काम पर लग गया। उस लड़की का नाम क्या है? हीना सर, कॉलेज में पढ़ती है, पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती है। नंबर दो उसका। सॉरी सर, वो उस टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं है। एजेंट से उसका नंबर लेकर मैंने खुद उससे बात की, उसने उसका इश्यू बनाया और मुझे गिरफ्तार करा। जिंदगी में कभी भी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी। जज श्रीनिवासन की वजह से आसानी से छूट गया। जैसे ही बाहर निकला, मुझे उस लड़की को मारना था। मेरे आदमी उसे उठाकर मेरे पास ले आए। जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे गिरफ्तार करवाया था। माइकल ने मुझे फोन करके उसे मारने से रोक दिया और उसे उसके पास भेजने के लिए कहा। उस लड़की के ब्लड ग्रुप से मिलती जुलती लाश हमने हासिल की और एक चलती ट्रेन के सामने फेंक दी। इंस्पेक्टर रत्नाकर इस मामले में काम आया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैनेज करके ये साबित कर दिया कि वो लाश हीना की। चलो इंस्पेक्टर निकलते हैं, लेट हो गया है। मैं ही जाता हूं पहले। जज साहब रुक जाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। फिर मैंने उसे माइकल के पास भेज दिया। माइकल उसे अपने ईसीआर के गोडाउन में लेकर चला गया और जो वो हर एक लड़की के साथ करता है, उसने वो हीना के साथ भी किया। उसे बेचने से पहले माइकल उसके साथ बहुत बदसलूकी से पेश आया और उसने अब तक हीना को उसी गोडाउन में बांध कर रखा हुआ है। ये लो, मन हल्का हो जाएगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। IPS गोल्ड मेडल के साथ पास किया है मैंने, तेरे जैसे कमीनों के तलवे चाटने के लिए नहीं। नहीं, कब का मार देता तुझे माइकल। ये नाम, इस पल का इंतजार किया है मैंने। नहीं मारिए, मुझे मत मारो, मत मारो, छोड़ दो। जब न्याय की ही संस्थानों में फरेब, सीनाजोरी, दगाबाजी की होती है जय जयकार, तब आता हूं मैं बनके रुद्रावतार। रुद्रावतार
आराम से। कौन है ये लड़की? क्या हुआ इसके साथ? एक सेकंड, मैं पानी लेकर आती हूँ। अर्जुन के मारन की मौत हो गई है, मामला हाथ से निकला जा रहा है। तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूं, जल्द से जल्द यहां आ जाओ। और हां, यूनिफॉर्म में आना। फिलहाल तुम्हारे लिए यह घर ही सेफ जगह है। भैया, आप उन सबको पक्का मार डालोगे ना? उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, प्लीज ना। मेरे साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए भैया। उन सबको मार डालो और उस माइकल को बिल्कुल मत छोड़ना। मेरी जैसी और बहुत सारी लड़कियों के साथ भी वो ये सब कर चुका है, उसे मत छोड़ना भैया। गुड मॉर्निंग मैम। माइकल, किसी बात की चिंता मत करो, सब कंट्रोल में है। उस बुढ़ऊ को कब पकड़ोगे तुम? सुनो माइकल, हमने उसे पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली, सरकार का भी फुल सपोर्ट है, डरने की कोई बात नहीं। बुढ़ऊ को कब पकड़ोगे तुम? हाँ माइकल, प्लीज समझने की कोशिश करो। तेरे सारे काले चिट्ठे खोल दूंगा। सर, आपको मैम बुला रही हैं। मैडम। क्यों मूर्ति? एक बुढ़ाऊ को पकड़ना कितना मुश्किल है, आखिर है कौन वो? 12 घंटे में माइकल को खत्म करने की धमकी दी है उसने। मैडम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, हम सब जानते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं? 3 मर्डर कर चुका है पहले मैसेज भेजकर ये बुढ़ा। यस मैडम। फिर देखो मूर्ति, ये सब हुआ बहुत कर लिया तुमने, 3 नामचीन लोगों का मर्डर हुआ है, पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी एक बुढ़े को नहीं ढूंढ सकती? बात समझ में आ रही है? आज माइकल को मारने की धमकी दी है, कल मुझे मार डालेगा तो? जज के मर्डर के बाद से रुद्रा मानिकावेल इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है। क्या नाम बताया उसका? रुद्रा मानिकावेल। वाह, क्या दमदार नाम है, कहाँ है वो? यहाँ बुला उस साले को। मैंने उसे इत्तला कर दी है, वो आता ही होगा। ये शुरू से ही इस केस पर काम कर रहा है, वेरी ब्रिलियंट, इसने सचमुच इस केस पर बहुत अच्छा काम किया। बुढ़े को तो नहीं पकड़ पाया? मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं सुननी है। मानिकावेल, अब से तिलक इस केस का इंचार्ज रहेगा। ओह यस। तुम बस उसे असिस्ट करो और इस केस में उसे क्या मदद चाहिए वो तो। ओए रुद्रा मानिकावेल, आउट। अब से ये केस तिलक लीड करेगा और तू उसका असिस्टेंट होगा। सॉरी।
तो तुम हो रुद्र मानिकावेल? एक मामूली बुड्ढे को गोली नहीं मार सकते, उसे तो मैं आज रात को ही अंदर कर दूंगा, देखना तुम। असिस्टेंट रहकर ही सही, लेकिन अपना काम निकालना आता है मुझे। जैसा मैंने पहले बताया था, इस टाइप की गन्स हम अब इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। गन ओनर्स की लिस्ट मिल सकती है मुझे? और क्या डिपार्टमेंट में ये गन किसी भी ऑफिसर ने यूज की है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक मिनट, 2009 की आईडी ट्रेनिंग के बैच को, शायद हमने ये गन्स उस बैच को ट्रेनिंग के भिजवाई थी। उस बैच के ऑफिसर्स की लिस्ट मिल सकती है मुझे? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको भेजने की। एग्जिट नंबर 2 और 3 टोटली ब्लॉक्ड हैं। एंट्री नंबर 1 पर मुझे एक यूनिट चाहिए और एंट्री नंबर 4 पर मुझे दूसरा यूनिट चाहिए। गॉट द प्लान? हेलो माइकल, सिक्योरिटी परफेक्ट है ना? सब कुछ ठीक है, पर ये पुलिस एकदम सांप पालने जैसा है। कितना भी दूध पिलाओ डसेगा ही, यही फितरत है इनकी। माइकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो आज अगर यमराज भी आ जाए तो मुझे टेंशन नहीं है। सर, सिक्योरिटी कैमरास चारों ओर हैं और तो और घर के हर कोने में कांस्टेबल्स तैनात किए गए हैं। घर के इर्द गिर्द ड्रोन्स घूम रहे हैं, पूरा एरिया कवर हो रहा है सर। सर, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम पर है। थैंक यू सर। कौन था? चलिए सर, चलो जल्दी। फायरिंग किस तरफ से हुई है? छत से आई है सर, मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट से आई है। सर रुकिए, एक मिनट, सब कुछ कंट्रोल में है सर, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। सर बात सुनिए सर, सर बाहर सेफ नहीं है सर। मैडम, माइकल सर तो निकल रहे हैं। तेरा जहाँ उसे महफूज लगता है तुम उसे वहाँ पहुँचाओ और उसकी हिफाजत करो। जी मैम, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। ओके, डू इट। चलो जल्दी चलो। सर, भूमिनाथम जो नसरतुल्ला के साथ जेल में था उसका पता चल गया है। वो रायलपुरम की वर्कशॉप में काम करता है। साहब, नसरतुल्ला तो किसी से बात ही नहीं करता था, हर वक्त खामोश रहता था। जरा ठीक से सोचो, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। साहब, जेल में वो एसीपी रुद्रा मानिका वैल भी कुछ दिन था। एक दो बार नसरतुल्ला को उससे बात करते हुए देखा था मैंने साहब। क्या कहा? रुद्रा मानिक वैल? हाँ साहब, आप ही के डिपार्टमेंट का है। बोलिए कैलाश सर। रुद्रा मानिकवेल ने मैंगलोर जेल में सजा काटी है? हाँ, काटी थी ना। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रुद्रा मानिकवेल ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है और उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। आईपीसी सेक्शन 287 के मुताबिक अदालत उसे 6 महीनों की सजा सुनाती है। ओए, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर, वो सिर्फ 3-4 दिन के लिए नसरतुल्ला के सेल में शिफ्ट हुआ था क्योंकि उसके सेल में कुछ इशू था। वैसे वो दोनों सेम दिन रिहा भी हो गए थे, लेकिन आप अभी क्यों पूछ रहे हैं साहब? चुप रहो, फोन रखो। इस जगह को पूरी तरह सील करो। फिक्र मत कीजिए सर, हम तैयार हैं। कम ऑन गाइस। सर, ये कहां गया अचानक? कहां गया वो? कहाँ गया माइकल? बोल, जल्दी बोल। सर, वहां जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ, ये जगह सुरक्षित कर दी है। गधों, यहाँ क्यों आ गए तुम लोग? जाओ ऊपर जाके संभालो, यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गेट आउट, आउट, आउट। हेलो।
हेलो, रुद्रा मानिकवेल के हैंडल किए हुए केस की जानकारी मिली? सर, मैंगलोर में उन्होंने ड्यूटी के दौरान टोटल 7 केस हैंडल किए थे। 4 को तो वो जेल भेज पाए थे, लेकिन 3 को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। तीनों के कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं? सॉरी सर, तीनों की हाल में डेथ हो चुकी है सर। कैसे? सर, एक केस में आरोपी के भाई ने उसे मार डाला, दूसरे केस में उसके दुश्मन ने उसे मार दिया, और तीसरे ने खुदकुशी कर ली। इन तीनों में कोई कनेक्शन? ये तीनों लोग गन शूट में मारे गए हैं सर, और कोई कनेक्शन नहीं है। गन शूट में? यस सर। अच्छा, एक काम करो, मुझे पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट मेल करो। सुनो तिलक, सब ठीक है वहां? जी सर, अंडरग्राउंड में एक बंकर बना दिया है उसने सर। नंदा, कवर दो उसको। क्या हो रहा है वहां पे? पुलिस आप बदल रही है। हमें कोई बुलेट्स नहीं मिली। प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना गन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सर। रुद्रा मानिकवेल गन स्पेशलिस्ट है। ये तीनों लोग गन शूट में मारे गए हैं सर, और कोई कनेक्शन नहीं है। तुम नहीं समझोगे जब तक खुद पे नहीं बीतेगी। तू मानिकवेल, तू यहां क्या कर रहा है? और ये हो क्या रहा है? वो बुढ़ा आया क्या? हाँ? ए, बोलते क्यों नहीं? मैंने अभी आपको 2009 की आईडिया ट्रेनिंग बैच की लिस्ट भेजी है, आप ईमेल चेक कर सकते हैं। माइकल, पापी चाहे जितना भी दूर भाग ले, विधाता के कहर से बचता नहीं। एक केस में आरोपी के भाई ने उसे मार डाला। दूसरा उसके दुश्मन के हाथों मारा गया। और जब जब इस धरती पर अधर्म होगा, विधाता लेगा रुद्र अवतार। रुद्र अवतार। और तीसरे ने खुदकुशी कर दी। आप देख। मानिकवेल ही है रुद्र अवतार। मुझे मत मारो प्लीज। उन्हें जान से मार डालो भैया। उसे मार दो ना साहब। मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं। लड़की की लाश पूरी तरह से जली हुई थी सर, इस केस को कोर्ट में साबित करना नामुमकिन है। ये बंदूक किसी काम की नहीं है साहब। यहाँ कानून तो बहुत है, लेकिन साला, लेकिन इंसाफ नहीं। इंसाफ इन नहीं। सब के पीछे किसी और बड़ी ताकत का हाथ है। इस बुड्ढे को जिंदा पकड़ने की कोशिश की मैंने। इसका अगला टारगेट कोई मिनिस्टर था, लेकिन माइकल को गोली मार दी, और ये बुड्ढा मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर डाला। गुड जॉब मानिकवेल। थैंक यू सर। एम्बुलेंस बुलाकर बॉडी उठा।
मानिकवेल, अब से तिलक इस केस का इंचार्ज। माइकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो एक महफूज जगह है, मेरा गेस्ट हाउस, मेरी अंडरग्राउंड गुफा, वहां जाऊंगा मैं। आज अगर यमराज भी आ जाए तो मुझे टेंशन नहीं है। भाई, वो पॉजिटिव ग्रुप वाली एक इनसे मिलती जुलती लाश चाहिए। बैंगलोर में मैंने आपके लिए सारा इंतजाम कर लिया है बहन, तुम वहां जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। थैंक यू भैया। क्या कर रही हो? बेस्ट ऑफ लक। बधाई हो रुद्रा मानिकवेल सर, क्या चालाकी से आपने सारे सबूत मिटा दिए। बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। मैं सांप के बिल से भी सबूत निकाल लेता हूँ सर। रिटायर होने से पहले आपको अरेस्ट कर लूंगा सर। बेस्ट ऑफ लक। लहरें गिनते रहो, मैं चकना लेकर आता हूं। यह सच है कि पुलिस निस्वार्थ सेवा करती है, पर किसकी? किसकी सेवा? डिपार्टमेंट की, नेताओं की, या पब्लिक की? इस सवाल का जवाब मुझे आखिरकार मिल गया। जो राह मुझे मेरा जमीर दिखाएगा, मैं उसी राह पर चलूंगा, धर्म के रास्ते चलूंगा और आखिरी सांस तक मेरा फर्ज निभाऊंगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत दूर जाना है मुझे। Thank you.